तो आज मैं हम लोग जा रहे हैं दुनदुमा। तो दुनदुमा मतलब जो टाउन एरिया है, तो वही दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश देव, आप लोग देख रहे हैं आकाश ब्लॉग्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। जो जो मेरे चैनल में नए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, पास बेल आइकन प्रेस करो ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। लाइक करो और फुल वीडियो देखो, उसके बाद ही कमेंट करना, शेयर कर देना सभी के साथ में। तो अभी मैं जा रहा हूँ दियामोली से दुनदुमा। तो चलिए। और हम लोग पहुंचने वाले हैं गुड्डी बाड़ी, जो कि मतलब थोड़ा फेमस प्लेस है फोटो शूट के लिए। हम लोग दियामोली एरिया में तो पहुंच ही गया। देखो भाई, बहुत मस्त प्लेस है, बहुत ही मस्त। और कुछ ही देर में हम लोग दियामोली का जो एरिया है खत्म होने वाला है। मान लो ये जो एरिया है, जो बागान सब, तो ये खत्म होने के बाद में हम लोग दियामोली का एरिया खत्म हो जाएगा। हम लोग अभी दो लोग हैं, जो कि रुपए की स्टेट के अंदर ही चलो। और हम लोग अभी पहुंच गए रुपए रुपए बीच लेफ्ट साइड में और ये रहा रुपए इतने वाले। और ये रहा जो ब्रिज टूटा था इस साइड। और ये रहा मंत्री लोगों का मीटिंग एरिया। देखो भाई, मीटिंग हम बैठा हुआ है यहाँ पे। और हम लोग पहुंच चुके हैं रूप वन। और थोड़ी देर बाद हम लोग पहुंचने वाले हम लोग दुनदुमा। तो चलिए आगे बढ़ते वीडियो की ओर, देखते क्या होता है दुनदुमा में। ये वीडियो जब शूट किया गया था तब मतलब रूप वन में पूरा छठ पूजा के लिए मतलब पूरा प्रिपरेशन चल रहा था। और लेफ्ट साइड में है इसका कुपिटी फैक्ट्री। और हम लोग थोड़ी देर बाद हम लोग पहुंचने वाले हैं दुनदुमा। तो देखते हैं दुनदुमा में क्या होता है। और हम लोग पहुंच चुके हैं दुनदुमा स्टेशन। जो स्टेशन ये है, यहाँ से आप दियामोली भी जा सकते हो, दियोटो बागान रुपाय सब जगह जा सकते हो। मतलब दो इधर का इस रोड में पड़ता है। और हम लोग पहुंच चुके हैं दुनदुमा। और ये रहा दुनदुमा। दुनदुमा में देखो ट्रैफिक जाम है, तो मैं शॉर्टकट ले लूँगा। ये भाई क्या ही बंदा, मतलब देखो आगे आगे मतलब साइड भी नहीं दे रहा था, क्या ही मतलब अलग ही सीन है। ये है दुनदुमा रेलवे स्टेशन और हम लोग जा रहे हैं शॉर्टकट। कॉलोनी के बीच से मतलब जाने में ना अलग ही मजा है, जो भी बोलो। और जो मैं रोड पे जा रहा हूँ, इस साइड एक बंगाली मीडियम स्कूल भी है और सरकारी मेडिकल भी है। तो बढ़ते वीडियो में आगे की ओर, देखते क्या होता है दुनदुमा में। तो चलिए देखते। और ये रहा बंगाली मीडियम स्कूल, लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है ये बंगाली मीडियम स्कूल है। और थोड़ी देर बाद हम पहुंचने वाले हैं सरकारी मेडिकल, जो दिख रहा है थोड़ा सा दिख रहा है साइड। और जो सेकंड गेट है सरकारी मेडिकल का ये रहा। और थोड़ी देर बाद हम लोग मेन गेट पहुंचने वाले, जो फर्स्ट गेट है ये रहा नोवा सरकारी मेडिकल एरिया का। देखो बहुत सारे बंदे, ये रहा सरकारी मेडिकल का मेन गेट। और अभी मैं जा रहा हूँ बाइक कपड़ा दुकान से, क्योंकि ये फुटपाथ एरिया। और ये रहा हम लोग दुनदुमा टाउन का शालिग्राम पेट्रोल पम्प। तो अभी मैं पेट्रोल नहीं भरूंगा, थोड़ी देर बाद मैं पेट्रोल भरूंगा। तो अभी लेफ्ट साइड जा रहा हूं, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। और सबसे पहले हम लोग जाने वाले हैं रोहित भैया की दुकान में। तो चलिए हम लोग राइट टर्न ले लेते हैं। और राइट टर्न लेते हैं हम लोग रोहित भैया का दुकान, थोड़ा थोड़ा नहीं दिख रहा है
तो दिखाएंगे हम, कोई बात नहीं। पहले तो जाम क्लियर है ट्रैफिक, ये रहा हम लोग रोहित भाई का दुकान, तो देखते हैं। क्वालिटी समझ के नहीं कम लगा नहीं है ना। अरे हम लोग कम दामी खरीदा है ना इसको। और ये रहा रोहित भैया का दुकान, और यहाँ पे होलसेल देता है, मतलब पान दुकान का हर एक सामान आपको मिल जाएगा होलसेल में। देखो बिस्कुट, मतलब पूरा वैरायटी से रखा हुआ है, चिप्स का, चना का, हर एक आइटम का, मतलब गुटखा सामान सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा होलसेल में। मेरा वीडियो देख के आया है बोलने से और कम में मिलेगा। दोनों टाउनफील्ड के फ्रंट में है ये, और अभी हम लोग जा रहे हैं पेट्रोल भरने, तो चलिए पेट्रोल भर लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग टाउन घूमेंगे। तो चलिए, और हम लोग अभी राइट टर्न ले लेंगे, उसके बाद हम लोग पेट्रोल पंप के ओर चलेंगे। तो पहुँचेंगे पेट्रोल पंप, यहाँ पे ज़्यादा भीड़ है तो मैं आगे जाऊँगा। तो चलिए, तो इधर दो बंदे पेट्रोल भर रहे हैं, तो मैं पीछे लगना पड़ेगा लाइन में। तो चलिए पहले लाइन लग लेते हैं। ये बंदा फोन में बिजी है, तो मैं आगे चला जाता हूँ। तो अभी हम लोग पेट्रोल भर लेंगे, उसके बाद आगे हम लोग जाएंगे टाउन दिखाने आप लोगों को। तो चलिए, मैं आगे बढ़ के क्या ही फ़ायदा हुआ, वेटिंग लिस्ट में खड़ा ही होना पड़ा। लिस्ट लगा हुआ नहीं है लेकिन वेटिंग में तो खड़ा ही होना पड़ा ना। देखो भाई इतना देर खड़ा हो रहा हूँ मैं। One hour later. भाई और कितना देर रुकना पड़ेगा मुझे, और कितना देर रुकना पड़ेगा भाई साहब। अलग ही सीन, मतलब कुछ अलग ही हो रहा है। Few moments later. और फाइनली मेरा स्कूटी पे अभी तेल भराया जा रहा है, और अभी चलते हैं स्कूटी में। फ्यूल भरने के बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो चलिए, पेट्रोल और डीजल का दाम भी कम गया ना, बहुत बढ़िया। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। और थोड़ा आगे जाके लेफ्ट लेने से आपको टाउन फील का नज़ारा देखने मिलेगा, और अभी हम लोग आगे जाएंगे। तो चलिए, अभी हम लोग टाउन फील नहीं घुसेंगे, हम लोग आगे जाएंगे मार्केट की ओर। तो चलिए, और हम लोग अभी जाएंगे नेहरू रोड की ओर से। तो चलिए, फल का दुकान, उसके बाद मिलते हैं दुकान ही दुकान ही दुकान ही दुकान ही दुकान ही। और ये रहा आप लोग फिर लेफ्ट साइड में दिख रहा हूँ रेड रेड कलर का, ये रहा शनि मंदिर दोनों। तो शनि मंदिर हम क्रॉस कर चुके हैं, और थोड़ी देर बाद वो राइट साइड होके जाएंगे दिल्ली बाजार। तो चलिए देखते हैं। वो ये रहा कुछ हार्डवेयर दुकान, और ये रहा मस्जिद, और मस्जिद के पास ही है चप्पल जूताओं के दुकान। और थोड़े आगे देखने मिलेगा आपको राइट साइड में दिल्ली बाजार, और लेफ्ट साइड में SEMX कॉम्प्लेक्स। तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं राइट की ओर दिल्ली बाजार की ओर। तो चलिए, कपड़े की दुकान, स्टेशनरी दुकान, और ये रहा बैग की दुकान, और ये रहा इधर मतलब कॉम्प्लेक्स जैसा टाइप है, राइट साइड कॉम्प्लेक्स जैसा, और बर्तन की दुकान तो आगे दिख ही रहा है क्या बताना। और ये लेफ्ट साइड में भी स्टेशनरी दुकान है एक, और ये ना कॉम्प्लेक्स की जैसे मतलब ये पूरा राइट साइड में बना दिया गया है। और आगे थोड़ा आगे जाने से डिलीवर देखने मिलेगा, और ये रहा विजय बेकरी, जो कि दोनों का फेमस बेकरी। और मैं अभी यहाँ पे स्कूटी साइड में थोड़ा पार्किंग कर लूँगा, उसके बाद दिल्ली बाजार के नज़ारे और थोड़ा टाउन के नज़ारे। और अब भी हम लोग जा रहे हैं दिल्ली बाजार। तो चलिए पहले दिल्ली बाजार चलते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। तो अभी चलिए दिल्ली बाजार की ओर चलते हैं।
राइट साइड में है चौधरी मार्केट, जहाँ पे मिलेगा आपको पूजा का हर एक सामान मिलेगा, और लेफ्ट साइड में है विजय भिखारी, और हम लोग अभी लेफ्ट जाएंगे डेली बाजार को। तो चलिए चलते हैं डेली बाजार के बाहर में। कुछ सब्जी व्यापारी हमें देखने मिलते हैं, और अभी हम लोग जाएंगे डेली बाजार के अंदर। तो देखिए देखिए ये टुकड़ी उकड़ी भी बेच रहे हैं ये लोग। तो चलिए डेली बाजार की ओर चलते हैं। पहले तो देखने मिलता है तामुल पान और अंडे का व्यापारी। तो अभी देखने मिलता है हम लोगों को सब्जी व्यापारी, और देखिए अभी आगे आप ही देखिए बस। तो अभी मैं जा रहा हूँ डेली बाजार की सब्जी मार्केट के साइड। तो चलिए अभी सब्जी मार्केट देख लो पहले। अरे भैया जी, हाँ तो गोभी का दाम कितना है? फूल गोभी का दाम 50, और यूट्यूबर के लिए 40। ठीक है, अभी नहीं लेगा, ज़्यादा कहीं नहीं जोड़ा है, जो हिसाब से अभी भाई कुछ लेना नहीं है, मैं वीडियो शूट कर रहा है तो बैठ कर दीजिए अपने। और यहाँ पे सब्जी बाजार खत्म होता है, और राइट साइड में हम लोग जाएंगे मछली बाजार की ओर। ये रहा हीरो मछली बाजार का यूट्यूबर। कौन है? कौन कौन है फले? और यहाँ पे मछली बाजार खत्म होता है, और डेली बाजार खत्म नहीं हुआ है, लेकिन डेली बाजार राइट साइड में भी और एक गली जैसा है, वहाँ पे मतलब सूखा मछली भी मिलता है, तो उस साइड भी मिलता है, ग्रोसरी आइटम भी मिलेगा। तो मैं निकल गया बाहर, और अभी देखिए बाहर डेली बाजार का सीन। और अभी मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के दुकान राहुल, तो देखते हैं। तो राहुल दुकान में नहीं है। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर, तो देखते हैं आगे। और ये रहा अरुण बेकारी। और इधर में ख़त्म हो जाता है डेली बाजार का सब्जी का दुकान सब। और ये रहा राइट साइड में पूजा का जो मतलब सामान लगता है पूजा में, वो सामान मिल जाएगा इस राइट साइड दुकान में। तो फिलहाल मैं अभी इस दुकान में जा रहा हूँ, मुझे चाहिए केरी बैग। और ये रहा पूजा सब में जो सामान लगता है पूजा करने में, वही सब यहाँ पे सब मिलता है। और इस साइड है फल, सब कुछ मिलता है। और मेरा कैरी बैग आ गया। ये रहा छोटू भाई, छोटू बहुत मुस्कुरा रहा है कैमरे में देख के। बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर, तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और लेफ्ट साइड में उसी तरह एक पूजा का दुकान भी है, सामान का मतलब। और ये रहा वो दुकान, तो मैं दुकान में इस दुकान में नहीं घुसूँगा, आगे जाऊँगा। तो आगे चलते हैं। और थोड़ा आगे जाके राइट साइड में एक भिखारी देखने मिलता है, और फ्रंट में उसका एक भिखारी। और ये रहा कुछ सब्जी का दुकान। और यहाँ पे ख़त्म होता है डेली बाजार का एरिया, जो ये रोड है यहाँ पे मतलब ख़त्म हो जाता है डेली बाजार का एरिया। और राइट साइड देखेंगे, ये जो राइट साइड में देखो भाई, जूम कर दिया मैंने, उधर में गाड़ी वाड़ी जा रहा है, देखो ऊपर में बोर्ड भी लगा हुआ है, वो पुलिस स्टेशन था। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर, और चलते हैं आगे। तो चलिए आगे देखते क्या होता है। राइट साइड में थोड़ा आगे जाके राइट साइड में है SBI का एक ATM, और लेफ्ट साइड में है एक बार्बर, जहाँ पे मैं सैलून में बाल कटवाता हूँ। तो यहाँ पे भी एक दिन वीडियो बनाऊँगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं पैदल जा रहा हूँ, पैदल घूम रहा हूँ, पैदल घूमने से थोड़ा अच्छा होगा ना। तो देखते हैं, इस साइड जो है ये रोड है, दोनों 8 नंबर जाता है, ARC भी जा सकता है इधर से। और अभी आप लोग आगे जाएंगे, तो चलिए। तो अभी मैं फिलहाल KP रोड पे हूँ, तो आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। इधर थोड़ा आगे जाके लेफ्ट साइड जो ये रोड है, इधर जाने से मतलब स्टेशनरी दुकान सब है, होलसेल में सामान सब बेचा जाता है। और ये रहा कपड़े का दुकान सब, इधर भी देखिए और देखिए, इधर भी देखिए कपड़े का दुकान, और आगे भी कपड़े का दुकान। और थोड़ा आगे लेफ्ट साइड में
चप्पल का दुकान है, होलसेल देता है ये। हाँ ये और ये रहा आगे में पानी पूरी का दुकान, जो कि लड़कियों का फेवरेट है, लड़कों का भी है। तो मैं इस पूरी निकाल गया और अभी मैं जा रहा हूँ सुनारी पट्टी के ओर से। तो चलिए, ये जो राइट साइड में दिख रहा है, ये जो गेट दिख रहा है ना ग्रीन टाइप का, ये हिंदी स्कूल है, दोनों आए हिंदी स्कूल। और ये रहा सोनारी पट्टी का सोनारी दुकान, और ये रहा अलाहाबाद बैंक। और अभी हम लोग जाएंगे आगे, ग्रोसरी दुकान भी है राइट साइड में, उसका दोनों साइड ही है। और अभी हम लोग जा रहे हैं आगे, और थोड़ा आगे लेफ्ट साइड है डिस्ट्रिक्ट कंप्यूटर सेंटर, और थोड़ा आगे फार्मेसी, जहाँ पे होलसेल में आपको दवाई मिलेगी, लसित फार्मेसी जिसका नाम है। और अभी मैं GNB रोड की ओर से जा रहा हूँ, जिस लेफ्ट साइड में एक मस्जिद है, एक्सिस बैंक है, और ये राइट साइड में मड़वाड़ी भवन मतलब विवाह भवन है, और लेफ्ट साइड में यूनाइटेड बैंक है। और हम लोग पास में दिख रहे हैं गांधी में, और अभी हम लोग जाएंगे सीधा, और थोड़ा आगे जाकर लेफ्ट लेने से मिल जाए आपको बालाजी होटल, और सीधा जाना है। फिलहाल वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हाँ आए बैठो। हाँ खबर बाबा अपना यूट्यूबर कौन है? कौन कौन है फल है?